नमस्कार, मैं हूँ पूजा और हमारे कुकिंग चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनने वाली ये नाश्ता की रेसिपी, जो आप बच्चों की लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर शाम की छोटी मोटी भूख हो या सुबह की ब्रेकफास्ट हो, आप सभी में ये बना सकते हैं और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पर लिए हैं 2 कप बेसन और 1 कप सूजी। तो सूजी 1 कप के बराबर है और लेंगे 1/3 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून लेंगे मीठा सोडा और थोड़ी सी कलर के अनुसार हल्दी 1/4 टीस्पून और टेस्ट के अनुसार लेंगे नमक। साथ में 1 कप दही फ्रेश वाली, एक खट्टा नहीं होना चाहिए ज़्यादा, और पानी लेंगे 2 से 3 कप और साथ में डालेंगे 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल और इन सभी को डालकर अच्छे से ग्राइंडर में पीस लेना है। इस तरह से इसका टेक्सचर रहना चाहिए। तो चलिए, बैटर हमारा बनके तैयार हो गया है, तो इसे रखते हैं साइड में। तब तक और भी सूजी जो है अच्छे से फूल जाएगा, तब तक इधर तैयारी कर लेते हैं स्टीम करने के लिए। तो यहाँ पे लिए 4 गिलास, आप चाहें तो थाली में भी स्टीम कर सकते हैं या फिर कटोरी में, और सभी में थोड़ा थोड़ा करके ऑयल लगा देंगे। तो यहाँ पे लिए हैं रिफाइन ऑयल, अच्छे से ब्रश के मदद से चारों तरफ से लगा लेंगे। तो इसी तरह करके सभी गिलास में अच्छे से ऑयल लगा देंगे। अगर आप ऑयल कम खाना पसंद करते हैं, कम यूज करते हैं, तो आप प्लेट या स्टीम करने वाला जो प्लेट आता है उसमें या फिर थाली में बटर पेपर लगाकर हल्का सा तेल लगा दें और आराम से उसमें स्टीम कर लें। अगर इस तरह से करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो चलिए, गिलास में तो अच्छे से तेल लग गए हैं, तो अब इधर भी बैटर जो है हमारा अच्छे से सोक हो गया है। तो इसमें डालेंगे छोटी पैकेट जो आती है इन्हों की, वो पूरा 1, और साथ में लेमन जूस 1 टेबल स्पून और डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर लेमन जूस ऊपर से नहीं डालते तो थोड़ा सा पानी ज़रूर डालिएगा। जब भी इनो पाउडर डालें तो उस पर थोड़ा सा पानी ज़रूर डालिएगा, उससे अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है। और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें बैटर बना लेना है। तो चलिए, अब जल्दी से इनो पाउडर डालने के बाद ट्रांसफ़र करेंगे गिलास में। जितने भी गिलास है सभी में बराबर करके डाल देंगे। ये नाश्ता बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है, सुबह का टाइम हो या फिर शाम का टाइम हो, बहुत जल्दी बन जाता है ये नाश्ता। तो अब गैस को कर लेते हैं ऑन और चढ़ा देते हैं कुकर। आप चाहे तो कुकर में बनाएं या फिर डेगची या कढ़ाई में, सभी में अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। कुकर में थोड़ा करने से जल्दी स्टीम हो जाता है और टाइम का भी बचत होता है और गैस का भी बचत होता है। और जितने भी गिलास है सभी इसमें अच्छे से रख देंगे और ढक्कन लगाकर 2 से 3 सीटी लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे लगा लेंगे। तो बस 2 से 3 सीटी लग गई है और अच्छे से कुक हो गई है, देख सकते हैं। तो एक एक करके निकाल लेंगे, सावधानी से निकालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और कुकर का भी हाल देख ही रहे हैं क्या हो गया है, एकदम काला। तो कोई बात नहीं, इसे अच्छे से धो लेंगे तो साफ़ हो जाएगा। और इसे निकालने के बाद ठंडा पानी में रख दिए थे। अगर आपके पास टाइम हो तो इसे इसी तरह से रख दे कुछ देर के लिए, जब ठंडा हो जाए तो आराम से निकल जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसी तरह से ठंडा पानी में रखें और इससे भी जल्दी निकल आता है।
तो चलिए गिलास से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से ठंडा करने के बाद ही पीसेस में कट करेंगे और 1/2 इंच के बराबर में या फिर 1 इंच के बराबर में अपने अनुसार इसे कट कर लें। तो चलिए जितने भी थे अच्छे से कट गए हैं और देख सकते हैं एक भी टूटा नहीं है। तो अब तड़का लगाने के लिए चढ़ाएंगे और डालेंगे रिफाइन ऑयल 2 टीस्पून और थोड़ी सी सरसों के दाने 1 टीस्पून के बराबर और हरी मिर्च इस तरह से बीच से चीरा लगाकर 8 से 10, और इसे हल्का सा तड़कने देंगे। तो देख सकते हैं हल्का सा ये तड़क गया है। तो इसमें डालेंगे 1 कटोरी पानी, और पानी डालने के बाद डालेंगे नींबू का रस 2 से 3, तो टोटल 2 नींबू लिए थे 1/2 पीसेस में कट कर। और जितने भी पीसेस थे अच्छे से निचोड़ कर डाल दिए। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चीनी और इसे बॉयल आने तक पका लेंगे। अच्छे से बॉयल आ जाएगा, इसमें मिर्ची का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाएगा और सरसों का। तब तक इसे उबालेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया है। तो खट्टा मीठा सिरप बनके तैयार हो गया है। तो इसमें ऊपर से इस तरह से तो जितने भी पीसेस है सभी पे इस तरह से डाल देना है। तो चलिए तड़का लग गए हैं अच्छे से, और कुछ देर के लिए इसे इसी तरह से सिरप डालने के बाद रखेंगे और इसे सर्व करेंगे। सिरप डालने के बाद और भी ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाता है। तो चलिए हमारे नाश्ता बनके तैयार हो गया है। आप भी बनाइए और सभी को घर में खिलाइए, और हमें कमेंट करके बताइए कि ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में, सुबह का ब्रेकफास्ट में, या शाम के छोटी मोटी भूख में ये नाश्ता बनाकर खाएं और सभी को खिलाएं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी।